साथियों, भारत जिस स्केल पर लोकतांत्रिक तरीके से अनेक चीजें अपने यहां कर सकता है, जिस तरीके से हम यहां कोई नीति या निर्णय लागू कर सकते हैं, वो पूरी दुनिया के लिए अध्ययन का, सीखने का विषय बन जाता है। और इसलिए हम अक्सर इंडियन सॉल्यूशंस को ग्लोबली इंप्लीमेंट होते हुए देखते हैं। और इसलिए मैं आज इस महत्वपूर्ण दिन पर आपसे कहूंगा कि आप अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को देश के लक्ष्यों के साथ जोड़िए। आप जो सीखते हैं, आपका जो भी अनुभव होता है, आप जो भी इनिशिएटिव लेते हैं, उससे देश हित कैसे सधेगा, इस बारे में हमेशा सोचना चाहिए, जरूर सोचिए। आज देश में चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए अभियान हो, 1500 से ज्यादा पुराने कानूनों और हजारों कंप्लायंसेस को समाप्त करने का काम हो, टैक्स के अनेकों कानूनों को समाप्त करके जीएसटी जैसी पारदर्शी व्यवस्था का निर्माण हो, एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेशंस को बढ़ावा देना हो, नई स्टार्टअप पॉलिसी हो, ड्रोन पॉलिसी हो, अनेक नए सेक्टर्स को खोलना हो, 21वीं सदी की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करना हो, ये सारे बड़े बदलाव आप जैसे युवाओं के लिए ही तो हो रहे हैं। आप जैसे युवाओं की तरफ से आने वाले जो सॉल्यूशंस हैं, उन सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करने के लिए, आपके आइडिया को देश की ताकत बनाने के लिए हमारी सरकार हमेशा देश की युवा शक्ति के साथ खड़ी है।